मंगलवार को पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस और नगर निगम की टीम के साथ गोलघर काली मंदिर के पास चारपहिया वाहन पर लगे ब्लैक फिल्म को चेकिंग कर उतारा गया। वहीं दुकानों पर छापेमारी के दौरान बिक रहे ब्लैक फिल्म को जब्त करके दुकान के ऊपर चालान की कार्यवाही भी की गई, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि पुलिस और नगर निगम टीम के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक फिल्म अभियान चलाया जा रहा है। कार श्रृंगार दुकानों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में ब्लैक फिल्म बरामद की गई है। उन्होंने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि जनपद में जितने भी कार चालक हैं वह ब्लैक फिल्म का प्रयोग ना करें, यह नियम विरुद्ध है। अगर कोई भी ब्लैक फिल्म अपनी गाड़ी पर लगाकर चलेगा उसकी गाड़ी को सीज कर चालान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गाड़ियों पर लगे ब्लैक फिल्म की आड़ में अपराध होता है, मेरा यही उद्देश्य है जो भी ब्लैक फिल्म लगाकर अपराध करता है वह अपराध ना कर पाए। इस अवसर पर प्रवर्तन दल के प्रभारी सीपी सिंह, जटेपुर चौकी इंचार्ज संजय गुप्ता सहित अन्य पुलिसकर्मी एवं नगर निगम की टीम मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह एवं एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, चालान भी करो बाहर निकलो गाड़ी अपनी आगे लो आगे बढ़ाओ शीशा ऊपर करिए पूरा तो बंद करिए इसको चालान करे करेंगे आप लोग सर हटिए दूसरे अरे उसमें नंबर था ना, 5 रोल थे ना टोटल, जो दरखास्त थी ना जिसमें हम लोग लिखवाया था उसका नंबर भी उसी में है, 10,000 का होगा, खोला देता ताकि बर्बाद हो जाए। 250 ग्राम है, इकट्ठा करो इसका वजन कराओ और फिर इसका चालक कराओ। फोटो ले लो उसके बाद बैठ जाते हैं।
पे जो नियम जो हम लोग का नियम है कि एक किलो तक का ये हमारा 5,000 है, एक किलो से 5 किलो तक, फिर उस पर लगाते हैं 10,000। माता 10,000, 15,000, 20,000 का चालान हो रहा है, अगली बार से दुकान बंद होगी। अगर किसी ने भी ब्लैक फिल्म लगाते हुए पाया गया, अगर आपके दुकान के बाहर ब्लैक फिल्म लगी हुई गाड़ी मिली, तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि आप लोग इसमें कर रहे हैं। दूसरा, कोई भी नंबर प्लेट लगाता है, नंबर प्लेट लगाता है, सबको पता है कि नंबर प्लेट लगाते हैं आप, बस सिर्फ वो कह देता है नंबर और उस पर लगा देते हैं आप। जब तक के लिए आपको RC वगैरह, आपका पहली बार नंबर प्लेट लगाने का अधिकार ही नहीं है, RTO का काम है नंबर प्लेट लगाना, उसको कहिए नंबर प्लेट लगाना है, तो RTO जाएँ और अपना सुन लें। ये दो बातें हैं, इसका ध्यान रखेंगे आप, कोई ब्लैक फिल्म नहीं लगाएगा और कोई झूठी नंबर प्लेट नहीं लगाएगा, बस इसको ध्यान रखिए। और तीसरा, जो कल SP ट्रैफिक साहब ने आपके साथ मीटिंग हुई थी और जो लोकल पार्षद थे अजय राय, वो मीटिंग हुई कल थी? आज पेपर में भी है, सबको पता है, जब कल बताया गया था एक सिंगल लाइन लगाएंगे, आप फिर वही दोबारा आपने वही काम कर दिया, क्यों किया? जब मीटिंग का कोई मकसद होता है, अगर SP ट्रैफिक सीनियर ऑफिसर है पुलिस के, उन्होंने आपके साथ कुछ किया, हम आपका भला कर रहे थे, हमने भी वही आपसे बता जवान दी थी कि आपकी रोजी रोटी चलते रहे, सरकार गरीबों के साथ में है और शॉपकीपर्स की भी रोजी रोटी चले, आपकी भी रोजी रोटी चले, तो आपका भी फर्ज बनता है। ये नहीं कि आप जो मर्जी गंदगी करें, जो मर्जी हमने कहा था डस्टबिन रखोगे और एक लाइन लगाओगे सिंगल, नहीं मानते तो क्या चाहते हो, मैं जबरदस्ती करूँगा साहब का, जबरदस्ती करूँगा फिर आपको चिल्लाएंगे? तो आप लोग खुद भी सोचो, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे साथ इतना लीनियंट है, सरकार तुम लोगों के साथ लीनियंट है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि शहर आपका है, सबका आपका है कि नहीं, आप ही लोग का शहर है ना, यहीं से रोजी रोटी चल रही है, फिर तो आप अपना गंदगी मत करो, अपना एक डस्टबिन रखो, एक लाइन से अपने गाड़ियां लगाओ, बात खत्म हो गई है, हमें कहने का मौका मत दो। गार्ड वाली व्यवस्था हो जाएगी तो सही रहेगा, मैंने ही बुलाया था। हाँ पता, मेरे को मैसेज मिला है, वो मेरे पास मैसेज भी आ गया। हाँ मैंने ही बुलाया था और मैंने ही मीटिंग बैठाई थी यहाँ पे। हाँ ये फैसला हुआ जब SP ट्रैफिक साहब आए थे कि आप लोग, मैं लाइन बना के दूंगा, आप लोग लाइन खींच, ठीक है, ये नहीं बोला था कि गाड़ी का, बोला था लाइन खींच लीजिए। और अभी आज मैंने मीटिंग बुलाई थी तो कोई आया नहीं, मैं अकेले पर क्या करूँगा, कलेक्टिव एफर्ट है, मैं बता रहा हूँ ये कलेक्टिव एफर्ट है। और जैसा SP CD साहब ने बोला है, जो साहब का अपना पुलिस का रोल है, जो मेरा रोल है, मैं करूंगा, मैं उठवा के डांग के लेके जाऊंगा, सीधा जाना करूंगा, बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर सबका काम है मेंटेन करना, ठीक है? आपको कोई बात कौन नहीं मानता है, कौन नहीं मानता है? आप मेरी बात सुनो, देखो एक तुम्हें मोटा फंडा बता दें, मैकेनिक काम है, अगर गाड़ी आनी रहती है आप उसको रिपेयर ही मत करो, बात खत्म हो गई, देखिए कौन नहीं मानता। और गार्ड की बात है, वो हम लोग उसको उसमें मैं आऊंगा, बैठूंगा, करवाऊंगा। आज कार्रवाई, वो अभी हम लोग अभी ऑपरेशन ब्लैक फिल्म का एक अभियान चला था, आज ये तीसरा दिन इस ब्लैक फिल्म का अभियान का है। तो मैं और SP CD साहब हैं और जड़े पर पुलिस चौकी इंचार्ज हैं संजय गुप्ता साहब और उनके SI हैं अपने सुधांशु सिंह, ये हम लोगों ने सब मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया था। जॉइंट ऑपरेशन के तहत हम लोगों ने आज इसको सीज किया, करीब 1 किलो के आसपास हमारे पास ये ब्लैक फिल्म सीज हुई है। अभी इसको हम पेनलाइज करेंगे, पेनलाइज करके करीब 5,000 रुपये हम उसका चालान करेंगे और उसको बाद अपने नगर निगम के स्टोर में जमा करेंगे। आज गोरखपुर पुलिस एवं नगर निगम गोरखपुर के जॉइंट ऑपरेशन के अंदर ऑपरेशन ब्लैक फिल्म पिछले 3 दिन से चलाया जा रहा है, तो उसी के संबंध में आज जटेपुर क्षेत्र के अंदर कार जो श्रृंगार के जितना भी कार्य करते हैं फिर छापामारी की गई है। उसमें आप देख सकते हैं पीछे बड़ी मात्रा में ब्लैक फिल्म रिकवर की गई है और उसके ऊपर सुसंगत धाराओं के अंदर चालान किया जाएगा। और बेसिकली एक संदेश देना चाहते हैं गोरखपुर और उसके आसपास के जितने भी लोग जो कार चालक हैं, कोई भी ब्लैक फिल्म का प्रयोग ना करें, ये नियम विरुद्ध है, एवं जो भी उसका ब्लैक यूज़ करेगा उसकी गाड़ी सीज की जाएगी एवं चालान किया जाएगा। इसे हमारा मुख्य उद्देश्य है, ब्लैक फिल्म लगाकर जो भी किसी प्रकार का अपराध कारित करता है ताकि वो अपराध ना कर पाए। धन्यवाद।